नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। बात करेंगे 2 जुलाई 2019 की, कि आप सबके लिए कैसा रहेगा, सभी राशियों के लिए। दोस्तों, ये राशिफल बहुत ही सामान्य आधार पर बताए जाते हैं। अगर आपको अपनी कुंडली का विवेचन कराना है तो आप वीडियो को अंत तक देखते रहिए, आपको बताया जाएगा कि किस तरह से आपको अपना राशिफल आप जान सकते हैं। तो दोस्तों, कल अभिजीत मुहूर्त रहेगा 11:58 से लेकर 12:53 तक, और राहु काल रहेगा सुबह 7:15 से लेकर 8:58 तक। साथ ही साथ एक घटना होगी कल, जो कि होगी सूर्य ग्रहण की। देखिए, सूर्य ग्रहण जो है वो कल पड़ेगा आपका, जो कि खंड ग्रास सूर्य ग्रहण होगा, और 2 जुलाई 2019 को ये पड़ने वाला है, जबकि चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के मध्य में होकर गुजरता है। बात अच्छी यह है कि ये सूर्य ग्रहण इंडिया में दिखाई नहीं देगा, इसलिए आपके ऊपर कुछ ज़्यादा प्रभाव इसका नहीं पड़ेगा। देखिए, रात को पड़ेगा ये 11:31 से लेकर 2:15 तक, तो वहाँ पर भारत में रात होगी, तो इसका कोई असर भारत के अंदर नहीं है, तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात आपको कल होने वाली नहीं है। बात कर लेते हैं मेष राशि की, तो आज का दिन आपके लिए काफ़ी अच्छा रह सकता है। आपकी मुलाकात किसी प्रभावी व्यक्ति से हो सकती है और काफ़ी लंबे समय तक ये स्थिति आपकी चल सकती है। कहीं ना कहीं आपके अंदर रचात्मक मैं कहूँगा कि क्रिएटिव आइडियाज आपके अंदर कल काफ़ी रहेंगे, और कहीं ना कहीं जो स्वास्थ्य से संबंधित दिक्कतें थी वो कल आपकी दूर होती हुई दिखाई देंगी। कुछ प्रमुख परिवर्तन आज रिश्ते के फ्रंट पर मुझे दिखाई देते हैं। कुछ घटना या जानकारी आपको अच्छे निर्देश देते हुए मिलेंगे, जिससे आपकी जो लव लाइफ है वो पटरी से जो उतरी हुई है वो यहाँ पर आपकी पटरी पर आती हुई दिखाई देगी। आज का दिन आपके सहकर्मियों के साथ थोड़ी सी सतर्कता बरतनी जरूरी रहेगी, क्योंकि तर्क वितर्क की जो प्रॉब्लम है वो कल हो सकती है, इसलिए आपको थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देने की आवश्यकता एक्स्ट्रा रहेगी कल। वृषभ राशि के बारे में बात कर लेते हैं, तो आज आपको कुछ बातें ऐसी पता चलेंगी जो मतलब आपके आपको चौंका के जाएंगी, लेकिन अच्छी बात यह है कि सारी खबरें जो है वो पॉजिटिव है, नेगेटिव कुछ नहीं है। जिन चीज़ों के लिए आप प्रयासरत थे, आज वो चीज़ें आपकी पूरी होने लगेंगी। सेहत की शुरुआत अच्छी रहेगी दिन से, और सेहत आपकी पूरे दिन कल अच्छी होती हुई दिखाई देगी। अगर आप एक रोमांटिक पार्टनर की तलाश में थे, तो कहीं ना कहीं वो तलाश आपकी पूरी होती हुई अब दिखाई दे रही है। समय जो है वो काफ़ी ज़्यादा रोमांचक होता हुआ दिखाई दे रहा है, और कहीं ना कहीं आपको गंभीरता से पूर्वक सोचना होगा कि क्या आपकी लाइफ में कोई ऐसा पार्टनर है जो आपकी जीवन संगनी बनने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। आज आपको अपना जीवन जो है थोड़ा सा यहाँ पर अच्छा लगता हुआ दिखाई देगा, और कहीं ना कहीं आप अपनी ज़िंदगी से प्रेम करना जिसे कहते हैं वो स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आप काम को महत्व ज़्यादा देते हैं और कहीं ना कहीं जो सोशल लाइफ है उसमें इतने ज़्यादा आप इंक्लूडेड दिखाई नहीं दे रहे थे पिछले 15-20 दिनों से, तो स्थितियां बेहतर हो रही हैं और कहीं ना कहीं आप बैक ऑन ट्रैक हो रहे हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं मिथुन राशि की। आज ग्रहों की स्थिति ऐसी है कि आपको प्यार और नफरत के बीच में काफ़ी हद तक ये महसूस होगा कि कौन आपके साथ है और कौन आपके विरुद्ध खड़ा है। आपको ये समझने के अवसर प्राप्त होंगे कि जो पुराने दोस्त हैं वो वास्तव में आपके साथ हैं, और जो नए आपकी दोस्ती हुई है, जो चिकनी चुपड़ी बातें आपसे करते हैं, वो आपके कुछ खास दोस्त अभी नहीं हैं। आज थोड़ा सा गाड़ी चलाते समय ध्यान रखें तो बेहतर रहेगा, अपने काम से काम रखें तो बेहतर रहेगा, छोटे मोटे विवादों से बच के चलें तो बेहतर रहेगा। आज कार्यस्थल पर एक्स्ट्रा सावधानी करने का दिन रहेगा। अगर आप की सावधानी हटी तो दुर्घटना घटनी वाली जो स्थिति है वो कल आपके साथ बिल्कुल होती हुई दिखाई मुझे देती है। कर्क राशि के बारे में बात करते हुए दिखाई देंगे, तो कुछ नया जीवन में करने का प्रयास रहेगा और कुछ बोल्ड निर्णय लेने का प्रयास रहेगा। हो सकता है कि नई अपॉर्चुनिटी की तलाश में रहें, और कहीं ना कहीं आप अपने आप को थोड़ा सा मोटिवेट भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए, आप अतीत से चिपके हुए नहीं रहते हैं, जो कि कहूँगा अच्छी बात रहेगी, और हर चीज़ को एक लीक से हटकर करने का प्रयास आपका हमेशा रहता है, तो ये चीज़ें कल आपके ऊपर हावी रह सकती हैं। आपका विचार थोड़ा सा मोटिवेट होता हुआ दिखाई दे रहा है, और जो व्यापार आप करना चाह रहे हैं, अगर आपके मन में व्यापार करने की है, तो ये सोच कल आपके अंदर प्रबल हो सकती है। लेकिन मैं कहूँगा कि थोड़ा सा एक बार अच्छे किसी बड़े व्यक्ति से सलाह कर लें तो तभी स्टार्ट करें, जल्दबाजी में आकर कोई निर्णय कल ना लें,
तो बेहतर आपके लिए रहेगा। सिंह राशि के बारे में बात कर लेते हैं, तो आज आप एक मोटिवेशनल तरीके से काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको ये जानने की समझने की स्थिति आपकी है कि आप आगे जीवन में क्या करना चाहते हैं, इसलिए आप कहीं ना कहीं मोटिवेटेड हैं। शारीरिक रूप से आप बहुत ही ज़्यादा स्वस्थ कल दिखाई मुझे देते हैं। आज किसी रोचक और खुशमिजाज व्यक्ति से मुलाकात आपकी हो सकती है। कहीं ना कहीं ये मुलाकात आगे चलकर लंबे संबंधों में तब्दील भी हो सकती है। आज का दिन कार्यस्थल पर खुद कुछ हद तक उबाऊ रहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ज़रूरी कार्य तो अपने कंप्लीट कर लेने चाहिए। आज का ये कार्रवाई करते समय बहुत ही ज़्यादा आपको ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि कुछ गुंजाइश ऐसी बन रही है कि जल्दबाजी में हो सकता है कि आपको एक गलती कर बैठे हैं। ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। कन्या राशि के बारे में बात कर लेते हैं, तो आज आप थोड़ा जिद्दीपन के शिकार रहेंगे और कहीं ना कहीं इससे कुछ प्रॉब्लम्स भी आपको होंगी। देखिए, जिद करना अच्छी बात नहीं होती ज़्यादा। अगर आपके पास फैक्ट है, आपके पास सबूत है, तो करें आप, ऐसी तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज़बरदस्ती की बातें बिल्कुल भी ना करें जिससे आपको कर नुकसान हो सकता है। थोड़े से चिड़चिड़े बुढ़तुरा में विकल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अपनी भड़ास ऐसा लग रहा है कि इसी पे निकालेंगे आप। आपको इस चीज़ का एहसास होगा कि जो आपने किया वो अनुचित था, मतलब गुस्सा भी करेंगे और थोड़ी देर बाद शांत भी हो जाएंगे, ये स्थिति कल रहेगी। तो पूरा दिन जो है मैं कहूँगा कि थोड़ा सा मिक्स बैग की फीलिंग लेकर आएगा, कभी गुस्सा, कभी शांत, कभी प्यार, तो ये पूरे दिन कल आपके साथ जो है वो रहने वाला है। तो थोड़ा सा संभल कर देख कर चलने की आवश्यकता आपको कल रहेगी। तुला राशि के बारे में बात कर लेते हैं, तो यहाँ दोस्तों के साथ हल्का फुल्का समय गुजारने का मौका मिलेगा, कोई पार्टी शाम को करने का मौका मिलेगा, कहीं बाहर जाने का मौका मिलेगा, जो कि कहूँगा कि बहुत अच्छा है आपके लिए। पिछले दिनों से थोड़ा सा जो दिक्कतें चल रही थी स्वास्थ्य से रिलेटेड, वो यहाँ कम होती हुई दिखाई देंगी। आज का दिन अन्य एवं दूसरे मौक़ों के लिए उपयुक्त रहेगा। जिन लोगों के साथ आप नहीं उठ रहे थे, बैठ रहे थे, उनकी कुछ बातें आपको पॉजिटिव लगेंगी और कहीं ना कहीं उनके साथ आपकी दोस्ती भी होनी संभव है। आज का दिन नए सिरे से दोस्ती को और प्रेम को मजबूत करने का रहेगा। एक अच्छी अपॉर्चुनिटी कल आपको वेट कर सकती है। अगर आप अपने पुराने काम जो पेंडिंग पड़े हैं आपके, अगर आप उनको ख़त्म कर लें, दिन बहुत अच्छा कहूँगा मैं आपके लिए। ऐसी कोई, मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई दिक्कत आपको कल होगी, बस ये है कि अपने पुराने कामों को अगर आप निपटा लें तो बेहतर रहेगा। देखिए, वृश्चिक राशि वालों, आपके पास तो काम भर भर के आ रहे हैं इस समय, और कहीं ना कहीं जिम्मेदारियां इतनी हैं कि आपके पास काम इतना है कि आप कर नहीं पा रहे, तो अपने आप को स्वस्थ रखने का प्रयास करें, पूरी नींद लें तो बेहतर रहेगा। आज आपकी जो ऊर्जा है वो अच्छी रहेगी। आज का दिन वह सब काम में करने के लिए अच्छा है जो काफी दिनों से आप नहीं कर पा रहे थे। देखिए, लाइफ में फीमेल फ्रेंड्स ज्यादा हैं अगर आपकी, तो थोड़ा सा यहाँ पर बचाव करके चलें तो बेहतर रहेगा, क्योंकि आपका व्यक्तित्व आकर्षक होता है, इसलिए लोग आपके प्रति आकर्षित हो जाते हैं। ये बात फीमेल्स पे भी लागू होती है। अगर आपके मेल फ्रेंड ज़्यादा हैं तो थोड़ा सा आपको सजग होकर चलने की आवश्यकता यहाँ पर रहेगी। कार्य क्षेत्र में बदलाव के संकेत हैं, और क्योंकि आप एक जगह काम करते करते थोड़ा सा यहाँ ऊब से गए हैं, इसलिए आप चाह रहे हैं कि कुछ नया आपकी लाइफ में किया जाए। समय दस्तक तो दे रहा है ठीक, लेकिन फिर भी कहूँगा कि बहुत देखभाल करी किसी निर्णय पर पहुँचे तो बेहतर आपके लिए रहेगा। धनुराशि के बारे में बात कर लेते हैं, तो आज का दिन संकेत दे रहा है कि आज आप खूब आनंद उठाते हुए दिखाई देंगे और कहीं ना कहीं समय निकाल कर आप काम करते हुए मुझे दिखाई देंगे। अपने कार्यक्रमों को थोड़ा सा यहाँ पर समय दें तो बेहतर रहेगा। आज का दिन सेहत के लिए बहुत अच्छा रहेगा, नए लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए बहुत अच्छा रहेगा, और कहीं ना कहीं आपको ये महसूस होना शुरू हो जाएगा कि आप किसी व्यक्ति से रोमांटिक तरीके से जुड़े हैं, लेकिन कुछ ना कुछ दिक्कतें अभी आपको आ रही हैं। वो समय दीजिए, वो दिक्कतें भी आपकी ख़त्म हो जाएंगी। आगे चलकर आपको कैरियर और व्यापार से संबंधित कुछ कल्पनाशील चीज़ें आपको करनी होंगी, जिससे कहीं ना कहीं आप उन सब चीज़ों को कर पाएं जो आप करना चाहते हैं। दिन कुल मिलाकर अच्छा है आपके लिए। मकर राशि के बारे में बात कर लेते हैं, तो आज का दिन बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। आत्मविश्वास से भरे रहेंगे और अपनी भाव को बहुत ही अच्छे तरीके से व्यक्त करते हुए दिखाई देंगे। आज आप कहीं ना कहीं आकर्षण का केंद्र बने रहेंगे। महत्वपूर्ण बिजनेस बैठकों को बहुत ही अच्छे तरीके से निभाते हुए दिखाई देंगे। आज की स्थितियां आपके पक्ष में
दिखाई तो दे रही हैं, लेकिन ध्यान रखें कि अति आत्मविश्वास से आपको बचना है। थोड़े समय चलने जाने के बाद जो अस्थायी संबंध थे वो अब स्थायी होने की कगार पर आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं आप थोड़ा गुस्सा कम करें तो बेहतर आपको पिक्चर मिलती हुई दिखाई देगी। आज इस बात के जबरदस्त संकेत हैं कि आप अपने कार्य परिवर्तन यानी कि कार्य क्षेत्र परिवर्तन की ओर जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं कुछ नई अपॉर्चुनिटी की तरफ आप देख रहे हैं, जो कि कहूँगा कि कोई बुरी बात नहीं है। कुंभ राशि के बारे में बात कर लेते हैं तो आज का दिन आपके लिए थोड़ा सा अनसर्टेनिटी लेकर आएगा। कल ऐसे लोगों से मुलाकात संभव है जो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, और कहीं ना कहीं आपको आपकी लाइफ में जो इस समय चल रहा है उसकी दूसरा ही पक्ष दिखाने के लिए मजबूर करेंगे आपको। तो ऐसे लोगों से सावधान रहने की आवश्यकता है, और कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको अननेसेसरी थोड़ा सा इमोशनल करते हुए दिखाई देंगे, तो ऐसे लोगों से बहुत ज़्यादा बच के चलने की ज़रूरत है। देखिए, लाइफ में कभी भी किसी को नीचा ना दिखाए तो बेहतर रहेगा। ये समय कोशिश करने का है। आपके प्यार में आपको चोट पहुंची है, ये दिखाई देता है। आप भविष्य की तरफ देखें तो बेहतर रहेगा, और किसी की बातों में ना आए तो और ज़्यादा बेहतर रहेगा। अपने कैरियर की शुरुआत में अगर आपको अगला कदम बढ़ाने में दिक्कत हो रही है तो थोड़ा सा बैक टू द बेसिक्स वाली जो कहानी होती है वो करें, और पूरा अवलोकन करें कि गलती आपसे कहाँ हो रही है। तो अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो आपको कल कोई दिक्कत नहीं होगी। बात कर लेते हैं अपनी राशि की। मेहनत से काम करें, जमकर आनंद उठाएं, यही मंत्र है कल आपके लिए। आज आप पूरे दिन इसी सिद्धांत पर कार्य करेंगे, जिसके दिन की शुरुआत आपकी सामान्य रहेगी, लेकिन अंत आपका कल दिन का बहुत ही बढ़िया होता हुआ दिखाई देगा। आज का दिन जीवन शैली में कुछ अपेक्षित बदलाव करने के लिए उपयुक्त रहेगा। आप ऐसे किसी व्यक्ति से मिलेंगे जो कि आपकी मेहनत को सराहेगा और कहीं ना कहीं आपको मोटिवेट भी करेगा। तर्क से जीतना आपके लिए बहुत आसान होता है, आप अपनी बात साबित कर सकते हैं, परंतु फिलहाल इस तरीके को ना अपनाएं तो बेहतर रहेगा, नहीं तो तर्क विवाद में भी बदल सकता है। आज का दिन आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। आप काफ़ी कठोर मेहनत आपने की है, उसका रंग आपको प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। ये मेहनत आपके उच्च अधिकारी को भी दिखेगी, जिससे आगे चलकर आपकी स्थितियाँ बेहतर होती हुई दिखाई देती हैं। तो दोस्तों, कल का दिन आपके लिए अच्छा है। तो दोस्तों, ये हुआ एक छोटा सा अवलोकन। 9411848508, पटनागर अभी 24411@gmail.com मेरा नंबर है, ईमेल एड्रेस है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, एनालिसिस पेड रहते हैं, इसके लिए आपको निश्चित फीस देनी होती है। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह चैनल के साथ बने रहिए, देखते रहिए। मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।